पसून में भागवत कथा शुरू। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पसून गांव में श्रीमद भागवत कथा शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य गिरधर स्वामी ने कहा कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप आज कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रीमद भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। क्योंकि जिन्हें गोविंद प्रदान करता है, जितना प्रदान करता है उसे उतना ही मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कथा में प्यासे बनकर आए, कुछ सीखने के उद्देश्य से आए, कुछ पाने के उद्देश्य से आए, तो ये भागवत कथा जरूर आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ देगी। न इंग्लैंड में हुई, लेकिन हिंदुस्तान में लाइन लगी है सतियों की और संतों की। संत सती और शूर केवल इस देश में पैदा होते हैं, इसलिए हिंदू धर्म सबसे महान है सतियों की वजह से। ये तो अमेरिका में कैसी सतियां होती बताओ, एक हिंदुस्तानी आदमी एक बार। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन वस्तु भोगने के लिए मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़कर विषय वस्तु भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषयों को भोगने में लगा हुआ है। मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति शाश्वत है। ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान की कृपा को प्राप्त किया। यदि कोई चाहे तो आयु कोई भी हो, वह ध्रुव की तरह त्याग करके भगवान की भक्ति करके ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। इस दौरान बजरंग दल विभाग संयोजक सोनवीर सिंह, केलवा थाना प्रभारी संजय गुर्जर, देवेंद्र कुमावत, जितेंद्र टाक, बंसीलाल सालवी, मीठालाल जोशी सहित कथा में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। बागेरी नका बांध से जुड़ेंगे 44 गांव। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने के लिए राजसमंद के 2 मेजर प्रोजेक्ट के तहत 293 गांवों के लिए स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से 44 गांव चिकलवास बांध व बागेरी नका परियोजना से जुड़ेंगे। इसके तहत 19 जुलाई 2021 को 120 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया गया था। यह काम आगामी 27 जनवरी को पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 5,390 मकानों को नल कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। बागेरी नाका परियोजना से जिले के 3 ब्लॉक के 44 गांव लाभान्वित होंगे। पीएचडी के अधीक्षण अभियंता शिव दयाल मीणा ने बताया कि योजना के तहत देलवाड़ा के 6 गांव, खमनौर के 10 गांव व रेलमगरा के 28 गांवों को घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। वहीं दूसरी परियोजना चंबल भीलवाड़ा परियोजना से भीम देवगढ़ के 249 गांवों में 55,223 नल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसमें से देवगढ़ शहर की मांग को शामिल करते हुए 12 अक्टूबर को निविदा खोलकर कार्यादेश प्रक्रिया धीन चल रही है। तापमान बढ़ने से बिलों से निकल रहे जहरीले जीव, 4 सांपों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पिपड़ा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने 4 सांपों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। जिले में नवंबर महीने में भी इस बार तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी कारण बिलों से जहरीले सांप बाहर निकल रहे हैं। पिपड़ा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने उनकी टीम मेंबर विकास खांडेला, अनिल गहलोत, यशवंत गहलोत, राजेश सालवी ने पिपड़ा में पोली काकर में पंकज सिंह के घर के पास से कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। साथ ही मनुहार रेस्टोरेंट चुंगी नाका पिपड़ा पर कोबरा सांप, फरारा गांव के वजेराम सालवी के घर के पास दामन सांप और शहर के महेश नगर में कोबरा सांप निकलने पर टीम मौके पर पहुंची और सांपों का रेस्क्यू किया। साथ ही मौके पर लोगों को जंगली जीवों को नहीं मारने की अपील की। इसके बाद 4 सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। दिवेर में मंगल भावना समारोह संपन्न। दिवेर के 13 पंत सभा भवन में चातुर्मास के समापन पर मंगल भावना समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुनि संजय कुमार ने कहा कि चातुर्मास में अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं, जिससे श्रद्धालु जन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्रिक की आराधना का सुंदर अवसर मिलता है। गुरुदेव की कृपा से हमें दिवेर में चातुर्मास करने का मौका मिला है। यहाँ के लोगों में श्रद्धा भक्ति अच्छी लगी और आगे भी आप लोग सेवा आदि करते रहो, यह मंगल कामना है। इस अवसर पर चातुर्मास की मंगल भावना देने के लिए आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएँ कार्यक्रम में पहुँचे। संसार में परिवार में
दशहरा समारोह कार्यक्रम में दिवेर सहित आसपास के बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं कार्यक्रम में उपस्थित थे। केलवा क्षेत्र में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर से आभूषण चोरी। केलवा क्षेत्र के देवतलाई रोड पर स्थित अम्मा माता मंदिर में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर माताजी के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। मंदिर के पुजारी की सूचना पर रामनारायण पालीवाल, मदन पालीवाल, कमलेश पालीवाल पहुंचे तो मंदिर के ताले टूटे हुए मिले, साथ ही माताजी के आभूषण भी नहीं मिले। इसके बाद लोगों ने केलवा थाने में चोरी की वारदात की सूचना दी, साथ ही मंदिर में गणेश जी के चांदी का मुकुट, माताजी के चांदी का मुकुट व एवं गले का हार, कानों के कुंडल, सोने की नथ, 5 किलो घी की केटली बदमाशों ने चुरा ली। वहीं चोरों ने लोहे का सरिया एवं हथौड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया, साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। बताया कि आरोपियों ने रात्रि के समय वारदात को अंजाम दिया। ट्रैक्टर चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। ट्रैक्टर चुराकर टोंक ले जाने वाले आरोपी को कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। आरोपी ट्रैक्टर का कलर बदलकर अवैध बजरी परिवहन करने का कार्य करने वाला था। कांकरोली थाना प्रभारी डीपी दादीजी ने बताया कि डिकोलिया थाना उनियारा जिला टोंक निवासी भगवान लाल उर्फ प्रताप पुत्र हनुमान मीणा को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद किया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने भिलवाड़ा, शाहपुरा, देवली तलाश करते हुए टोंक से डिटेन कर कढ़ई से पूछताछ की, जिस पर ट्रैक्टर चुराना आरोपी ने स्वीकार किया। आरोपी टोंक का रहने वाला होकर ट्रैक्टर को टोंक ले जाने के बाद कलर बदल कर अवैध रेती परिवहन में काम में लेना चाहता था। बजरी में पकड़े जाने के बाद ट्रैक्टर को छोड़कर भाग जाता था। आरोपी ट्रैक्टर कलर बदलने के लिए स्प्रे मशीन व कलर लेकर आ चुका था। पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। स्थायी वारंटी पर फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। कुंवरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुंवरिया थाना प्रभारी लालूराम जाट ने बताया कि 3 प्रकरणों में स्थायी वारंटी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दागड़ा थाना गंगापुर जिला भिलवाड़ा निवासी मदनलाल पुत्र नारायण लाल गाडरी को कुंवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि धारा 125 CRPC में लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया। बताया कि लंबे समय से आरोपी स्थायी वारंटी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।